नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आए बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज मैं बहुत इजी रेसिपी लाई हूँ, मैगी नूडल्स रेसिपी, जो अलग अलग शेप पे मैंने बनाई है। आप इसे ये पुदीने की चटनी सॉस के साथ किसी के साथ भी खाइएगा। और ये देखिएगा, बहुत इसके अंदर स्टफिंग भी बहुत अच्छे से भरी है, और इजीली सी ये चाकू से भी ये रेसिपी कट रही। देखिएगा, सारा स्टफिंग भरा हुआ है, सॉफ्ट सा, और आप जरूर बनाइएगा। आइए बनाते हैं ये नूडल्स एग रेसिपी रोल। नूडल्स हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने लिए ये 3 एग, बारीक कटा हुआ टमाटर, मैगी का पाउच, प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और ये शिमला मिर्च, थोड़ा सा गेहूं का आटा आधी कटोरी, और आधी कटोरी ये मैदा। तो आइए, सबसे पहले हम ये गैस के ऊपर पानी रखेंगे। देखिए, पानी हमारा खौल गया है, और तो अब हम ये मैगी जो मैंने इसे इसी में बारीक कूट लिए, उसमें उबालने के लिए डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे। जब ये उबल जाएगी तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ा। तो जब तक हमारी मैगी पक के ठंडी होती है, तब तक हम इसका बैटर बना लेते हैं। ये डाला मैंने मैदा, और ये आटा, गेहूं का आटा, और इसमें डालूंगी मैं ये गरम पानी थोड़ा थोड़ा करके, और इसे हम चलाएंगे धीरे धीरे। इसका एक घोल तैयार करना मैं, और अब हम अंडे को फोड़ लेंगे। देखिए कितने ऐसे ढंग से अंडा फूटा है। तो इसकी हम सफेदी इसमें डाल देंगे, और पीली जर्दी कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए, ऐसे सफेद भाग इसमें डाल लेंगे, और पीली जर्दी को धीरे से चम्मच में लेके निकाल लेंगे। तो देखिए, अंडे के तीनों अंडे हमने इसकी जर्दी यानी पीला भाग निकाल दिया, व्हाइट भाग जो था इसमें डालते हैं, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन जो हाथों से मसल लिया है, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा और गर्म पानी, ताकि इसे थोड़ा पतला बैटर बनाएंगे। ये गुनगुना पानी है। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बैटर तैयार हो गया हमारा। ये देखिए, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, एकदम देखिए बढ़िया है, पतला सा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बैटर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे है, तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं रोल की। ये रख दिया मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई, थोड़ा सा तेल, तेल गर्म हो गया तो इसमें डालेंगे हम प्याज, साथ ही में डालूंगी ये करी लीव, देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो गया, तो डालेंगे हम ये शिमला मिर्च, टमाटर और ये हरी मिर्च। अगर ज्यादा छोटे बच्चों को खिलाना है तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और डालेंगे हम ये हल्का स्वाद अनुसार नमक। इस स्टफिंग को बनाने के लिए आप इसमें और भी चीज़ें मिला सकते हैं, और भी सब्जियां मिला सकते हैं, जैसे कैप्सिकम हो गया, गाजर हो गया, बीन्स, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये नूडल्स रोल बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने देखिए इतनी ही सब्जियों का प्रयोग करा है। और देखिए, पक चुकी है हमारी शिमला मिर्च हल्की सी। तो अब डाल देंगे हम ये जो अंडे की पीला भाग निकाला हुआ था, इसको भी हम इसमें मिला लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, अंडा भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया, और जो हमने देखिए मैगी उबाली थी तो ये मैंने इसमें छान के रख ली थी। अब डाल देंगे हम इसमें ये मैगी नूडल और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब जब इसमें मैगी पड़ी है तो मैगी मसाला जाना तो बिल्कुल ही संभव बनता है, तो ये डाल देंगे हम ये मैगी मसाला। और अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा ये जीरा पाउडर, देखिए थोड़ी सी पिंच भरिए काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे ये सोया सॉस। इसमें थोड़ा पानी डाल के करेंगे, गाढ़ा हो गया। और मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए ये स्टफिंग बनके हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इस पर डाल देंगे ये हरा धनिया और गैस कर देंगे हम बंद। इसको अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब बनाते हैं आगे। अब बनाएंगे मैगी रोल। तो इधर मैंने रख दिया तवा, अब इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी मैं हल्का सा, तवा गरम हो गया तो इसमें डालेंगे हम बैटर धीरे से। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, इसमें रख देंगे थोड़ा सा हम ये ढक्कन। देखें 2 मिनट हो गए, ये देखिए बिल्कुल इसने जगह छोड़ दी और एक अलग सी पराठा बनके एक ही रेडी हो गया। और अब डालेंगे हम इसमें ये मैगी वाली स्टफिंग। इसको हम ऐसे पलट देंगे, तो देखिए बड़े सुंदर से ये रोल बनके रेडी हो गया। ये देखिएगा ऐसे करके हम और भी बना लेंगे। हल्का सा ऑयल, सेब पे ध्यान मत दीजिएगा, सेब तो कैसे भी बन जाते हैं। ऐसे करके हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए आप इसको ऐसे रख लो और पलट दीजिएगा, बनके रेडी हो गया। दोस्तों ये सारे रोल बना के रेडी हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी ये बने हुए हैं, बहुत ही इजी और सरल तरीके से बहुत ही फटाफट बनने वाला ही नाश्ता बन गया है। आप बनाइएगा अपने बच्चों को नाश्ते में, डिनर में, लंच में, जब भी हो खिलाएगा। और भी अच्छी रेसिपी ले आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, लाइक शेयर कर दीजिएगा।